हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आज एक नोटिस जारी किया है और फ्रेंड्स ये नोटिस जारी किया है उन उपद्रवियों के लिए जो रेलवे भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए, एक बार मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ गया है इसका नोटिस फॉर एस्पायरेंट ऑफ रेलवे जॉब। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नोटिस जारी किया है, तो एक बार मैं इस नोटिस को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या अपडेट आया है भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, सूचना। सूचना में देखिए क्या है, यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शन करती हैं, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके बाद नीचे देखिए, सभी आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह ना हों या ऐसे तथ्यों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, और ये डेट है 25 जनवरी 2022 का। फ्रेंड्स, आपको पता होगा 25 जनवरी के आसपास एनटीपीसी एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ामों को लेकर, ग्रुप डी की एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई रेलवे स्टेशनों को तबाह कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया और भारी मात्रा में कई सारी ट्रेनों को जला दिया और रेलवे की जो संपत्ति है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। फ्रेंड्स, ऐसे में ये जो अब गैरकानूनी गतिविधि है, इसमें जो भी संलिप्त पाए गए हैं या जो संलिप्त पाए जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी वीडियो के माध्यम से, और जैसे वीडियो के माध्यम से स्क्रीनिंग होती है उसके बाद उन पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी और रेलवे में यदि वो फॉर्म भरते हैं तो उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा।